हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए सीखते हैं कि लिब्रा कैल्क में हम मैच फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है और यह हमें रो नंबर या कॉलम नंबर के बारे में बताता है। सो हाउ कैन वी यूज दिस फॉर्मूला, लेट्स स्टार्ट एंड सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पे लिब्रा ऑफिस पे क्लिक करना है और ये लिब्रा ऑफिस ओपन हो जाएगा। अब लिब्रा ऑफिस में हमें कैल्क स्प्रेडशीट ओपन करनी है, ठीक है। यहां कैल्क स्प्रेडशीट पे क्लिक करता हूं मैं। जैसे ही क्लिक करूंगा यहां पर ये इस तरह की सिनेरियो कुछ डिस्प्ले हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं नेम बॉक्स, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, और ये है हमारा फॉर्मूला बार, ठीक है। इनपुट लाइन ये जो दिख रहा है ये फॉर्मूला बार है हमारा, ठीक है। यहां पे फॉर्मूला हमारा डिस्प्ले होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको यहां पर मैच फॉर्मूला यूज करना है। तो यहां पे मैं लिखता हूं सबसे पहले टाइटल नेम ऑफ स्टूडेंट, ओके। तो यहां नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हमने और यहां पे सब्जेक्ट वन और यहां पे सब्जेक्ट टू। इनेबल फिल हैंडल वाली क्वालिटी होने के कारण इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूं। यहां से इसको हमने करा और यहां से इसको ड्रैग करा, तो ये देखिए 3 4 5 5 ही सब्जेक्ट रखता हूं। यहां पे डबल क्लिक करने से ये रिसाइज हो जाएगा, या फिर यहां पे आप रख करके और इसको ड्रैग करवा सकते हैं इधर की तरफ, तो ये रिसाइज हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा और रिसाइज कर लेते हैं, इसको खींच करके इधर ले आएंगे, तो ये देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट अब सही से शो होने लगा। अब हमको यहां पे ऑप्टेन मार्क्स लिखना है, तो यहां पे लिखता हूं ऑप्टेन मार्क्स, ओके। तो ऑप्टेन मार्क्स को लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसको भी रिसाइज करना है, तो यहां से इसको ड्रैग कर देंगे तो ये रिसाइज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहां पर कुछ नाम लिख देता हूं, जैसे अवनी, रानी, राजू, जावेद, ये कुछ नाम मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहां पर रखूंगा कर्सर को और एक फॉर्मूला हम और सीखेंगे जिसका नाम है रैंड बिटवीन। पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, इसको रैंड बिटवीन लिखा हमने। आपको यहां टैब नहीं दबाना, ये एक्सेल नहीं है, ठीक है। और यहां पर सबसे छोटा जो सबसे कम नंबर पाएगा वो क्या पाएगा, 4 नंबर पाएगा, और ज्यादा 90, यानी हाईएस्ट और लोएस्ट, ये दोनों चीजें देनी है, पहले लोएस्ट देन हाईएस्ट, ओके। यहां पे एक नंबर आ चुका है, अब यहां से इसको ड्रैग करवा देते हैं, हम ड्रैग करवाएंगे तो सारे नंबर्स आ जाएंगे, और इसको नीचे भी ड्रैग करवा लेते हैं हम, ठीक है। यहां पर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे इसको और इसको बना देंगे हम नंबर, ठीक है। तो यहां से नंबर इसको बना दिया हमने, यस कर देंगे, ओके। तो ये नंबर बन गया, अब ये चेंज नहीं होगा। अब यहां पे ऑप्टेन मार्क्स कैलकुलेट करना है हमें, इज इक्वल टू सम करेंगे हम, सम फॉर्मूले का यूज करेंगे, और यहां पर इन सारे जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं इनको यहां से ड्रैग करवा देंगे हम। तो ये ड्रैग करवा दिया हमने B2 से लेके F2 तक, और एंटर प्रेस करेंगे तो ये अवनी के ऑप्टेन मार्क्स आ जाएंगे। यहां पर डबल क्लिक करेंगे तो सबके आ जाएंगे। अब हमको करना क्या है, यहां पर हमें मैच फॉर्मूले का यूज करना है। थोड़ा इसको और भी मैं फॉर्मेटिंग कर दूं इसमें, थोड़ा इसको मैं क्या करता हूं ब्लैक कलर में बना देता हूं, इसको ब्लैक कलर, यहां से इस पर लगा दिया मैंने ब्लैक कलर, ठीक है। और यहां पर इसको किसी एक कलर में कर देता हूं, ठीक है। यहां से इतना इतने पार्ट को एक कलर दे देते हैं, तो ये हमने किया, ठीक है। अब यहां पर ऑप्टेन मार्क्स जो है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको भी कोई दूसरा कलर प्रोवाइड कर देंगे। तो यहां पर हमने एक कलर इसको भी प्रोवाइड कर दिया। अब इस पे हमें बॉर्डर्स बनानी है, तो बॉर्डर्स कहां से बनेंगे, बॉर्डर्स बनाने के लिए हमें जाना होगा यहां पे, ठीक है। यहां लिखा हुआ है बॉर्डर, क्लिक करेंगे यहां पे तो ऑल बॉर्डर हमें करना है, तो ऑल बॉर्डर हमने बना दिए। अब ये इस तरह से दिख रहा है। अब हमें यहां पर इसको अलाइन करना है, तो पूरे को सेलेक्ट कीजिए, अलाइन भी आप कर पाएंगे। यहां से देखिए ये दिया हुआ है सेंटर अलाइन, तो इसको सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। पूरे डेटा को हमने क्या करना है, सेंटर अलाइन करना है, इसको भी हम क्या करते हैं सेंटर अलाइन कर लेते हैं। कंट्रोल के साथ ई दबाएंगे तो पूरा सेंटर अलाइन हो जाएगा। बोल्ड कर लेते हैं, या कंट्रोल के साथ बी दबाएंगे या यहां पे क्लिक कर देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, अब मैच फॉर्मूला लगाना है। देखिए मैंने कहा था रो नंबर और कॉलम नंबर निकाल करके देता है, तो ये देखिए ए बी सी ये सब कॉलम्स हैं, और ये देखिए ए यानी 1, फिर ये देखिए 2, फिर ये देखिए 3, ये क्या है, ये रो है। तो अब हम क्या करेंगे, रो या कॉलम नंबर देखेंगे, तो कोई भी एक नाम
जैसे सपोज कीजिए यहां पे मैं ले लेता हूं सब्जेक्ट 5, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, और यहां पे रख लेता हूं सब्जेक्ट 5 को, पेस्ट करता हूं यहां पे, तो ये देखिए सब्जेक्ट 5 आ गया है, ठीक है, और यहां पर राजू या कोई भी एक नाम यहां पे कॉपी करता हूं मैं, ठीक है, और पेस्ट करता हूं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू मैच फार्मूला लगाएंगे। देखिए फार्मूला लगाने का कई तरीका है, या तो इज इक्वल टू का निशान दबा के लगाइए आप, इज इक्वल टू का निशान लगाइए और फार्मूला लगाइए, या fx पे क्लिक कर सकते हैं आप, fx पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां ये बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा, यहां पे सर्च करके और जो भी फार्मूला आप चाहते हैं यहां से लगा सकते हैं। फिलहाल मैं सबसे आसान मेथड इज इक्वल टू का निशान लगा करके मैच का फार्मूला यूज करने वाला हूं। तो यहां मैच लिखा हमने matc, ठीक है, ये मैच लगा लिया हमने। हमें क्या करना है, ये कह रहा है सर्च क्राइटेरियन, तो क्राइटेरिया सर्च करने की बात कर रहा है ये, फिर लुकअप एरे, तो हमें क्या तलाश करना है, हमें तलाश करना है सब्जेक्ट 5 को, तो इसको सेलेक्ट करा हमने, कॉमा दिया। कहां से मिलेगा ये सब्जेक्ट 5, ये सब्जेक्ट 5 जो है इसी ऊपर वाले किसी टाइटल में से मिलेगा, तो ये ऊपर वाला टाइटल पूरा हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो ये सेलेक्ट करा हमने। अब इसको करना है फ्रिज, फ्रिज कैसे होगा, F4 की दबाइएगा आप, फंक्शन बटन F4, तो यहां से फंक्शन बटन F4 दबाया और ये देखिए सब फ्रिज हो गया। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं आप तो आपको एक एक करके शिफ्ट दबा के 4 नंबर वाला अल्फा न्यूमेरिक बटन दबाना होगा, तो ये डॉलर लग जाएगा सबके पहले, ठीक है। कॉमा देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देते हैं, तो यहां 0 दिया हमने, बंद किया और एंटर प्रेस किया। ये देखिए ये जो है कॉलम नंबर 6 है, यहां पे एंटर जैसे ही प्रेस करूंगा तो यहां पे देखिएगा कि ये कॉलम नंबर 6 है, यहां पे देख सकते हैं आप, आइए गिनते हैं, ये ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा, ई पांचवा, एफ छठा और जी सातवां, यानी छठा जो कॉलम है, यानी सब्जेक्ट 5 वाला जो कॉलम है वो छठा है। यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर वाला कॉलम है, ठीक है। अब अगर सपोज कीजिए ये जो सब्जेक्ट 5 है इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं कर देता हूं डिलीट, ठीक है, इसको डिलीट कर दिया हमने, ठीक है। तो यहां देखिए ये रिजल्ट जो हमारा है वो यहां से हट गया है, जैसे ही कंट्रोल सेट करूंगा तो यहां रिजल्ट हमारा आ जाएगा वापस। मैं इसको डिलीट कर देता हूं यहां से, ठीक है। अभी यहां पे एनए है, नॉट एप्लीकेबल। अब मैं क्या करता हूं, ऑप्टेन मार्क्स को यहां से उठाता हूं, कॉपी करता हूं और फिर यहां पे ले आके पेस्ट कर देता हूं। आप देख पाएंगे कि ऑप्टेन मार्क्स का कॉलम नंबर 7 ये बता रहा है, यहां पे आप देखिए ये जो ऑप्टेन मार्क्स का कॉलम नंबर है वो 7 है। आइए अब रो नंबर की बात करते हैं, इज इक्वल टू मैच लगाता हूं मैं matc, और मैच लगाने के बाद यहां पर हमें करना क्या है, सबसे पहले राजू को सेलेक्ट करता हूं, यानी रो नंबर को सेलेक्ट करता हूं जो रो हमें चाहिए। इसके बाद ये रो हमें मिलेगा कहां, यहां कहीं वो रो हमें मिल जाएगा, तो इस पूरे रो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं यहां से, ठीक है, और F4 दबा के फिक्स करूंगा, कॉमा दूंगा, 0 दूंगा, एग्जैक्ट मैच के लिए इंटरफेस करूंगा। तो यहां जो है राजू जो है रो नंबर 6 में, आइए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, ओके, सो एकदम करेक्ट है। आइए यहां पे नाम चेंज करते हैं, यहां पे मैं जावेद लिख देता हूं, अपने हाथ से ही लिख देता हूं जावेद, यहां देखिए जावेद लिख दिया हमने, एंटर प्रेस किया, तो देखिए जावेद जो है रो नंबर 7 है। तो उम्मीद करता हूं कि ये मैच वाला फॉर्मूला लिब्रा कैल्क में आपको जरूर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो कुछ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।